आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गो टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर बनाकर देखें, 3 पेज नंबर 44 और 45 का 7 से 13 तक सम्स करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 1 to 6 तक करवाई हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 7 नंबर सम्स क्या है। आज हम अपनी कक्षा में उपस्थिति और अनुपस्थिति का अनुपात निर्णय करेंगे। कक्षा 6 के छात्रों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का अनुपात निर्णय करेंगे। दोनों अनुपात समान है या नहीं चर्चा नहीं, चारों संख्या समुपात है या नहीं देखें। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे 7 नंबर सम्स। लिखेंगे क्या, अपनी कक्षा में छात्रों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का अनुपात 30, ठीक है, 35 रेशियो 25, माने 5 7 35, 5 5 25, ये आया। फिर लिखेंगे कक्षा 6 के छात्रों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का अनुपात, तो क्या आ जाएगा 40 रेशियो 35, माने ठीक है। तो ये 5 से काटिए, 5 8 जा 5 7 जा, तो देखिए ये दोनों मिला, ये 7 रेशियो 5 आ रहा है, ये 8 रेशियो 7 आ रहा है, दोनों तो नहीं मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, दोनों अनुपात समान नहीं है तथा चारों संख्या 35 25 40 और 35 समानुपाती नहीं है। देखिए 35 और 25 ये संख्या था, 40 और 35 संख्या था, ठीक है। तो ये चारों संख्या समानुपात नहीं ना हुआ, दोनों मिल जाता तब समानुपाती हो जाता। देखिए 35 × 35 कीजिएगा, प्रथम गुणे चतुर्थ करते हैं ना, तो ये करते 35 35 करेंगे गुना, तो क्या हो जाएगा आपका 1225 आएगा। 25 × 40 करेंगे तो कितना जाएगा, 1000 आएगा, तो नहीं ना मिल रहा है। एक आ रहा है आपका 1225 और एक आ रहा है 1000, तो नहीं मिल रहा। तो यही संख्या, ये संख्या क्या है, समानुपाती नहीं है। अब 8 नंबर सम्स देखिए, विभिन्न रंग के घरों की संख्या गिनकर नीचे के प्रश्नों का उत्तर दो। तो ये हम लोग देखिए ये सॉल्व करना है, ठीक है, ये सॉल्व करना। तो ए नंबर क्वेश्चन क्या है, लाल और नीले रंग के घरों की संख्या का अनुपात कितना है। तो लाल रंग कितना है, देखिए इसको काउंट कीजिए, तो ये 5 5 10 15 3 18 और 18 3 21 24 27, लाल रंग आपका 27 और नीला रंग क्या है 6 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे लाल और नीले रंग के घरों की संख्या का अनुपात 27 रेशियो 6, ठीक है। लाल रंग 27 था और नीला रंग क्या है 6 है। अब काटिए 3 से, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, लाल रंग 27 था और नीला रंग क्या है 6 है। अब काटिए 3 से, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6। अब बोला क्या है बी नंबर, क्या बादामी और बैंगनी रंग के घरों की संख्या का अनुपात निकाल कितना है। तो बादामी रंग ये है और बैंगनी रंग ये है, ठीक है। तो ये है आपका 6, तो ये कितना लाइन है 6 लाइन है, ठीक है। तो ये 6 6 जा 36 होगा, और बैंगनी रंग कितना है आपका, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 3 जा 39। तो हम लोग लिखेंगे बादामी और बैंगनी रंग के घरों की संख्या का अनुपात 36 रेशियो 39। इसको काटिए 3 से, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, फिर रेशियो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 12 रेशियो 13, ठीक है। फिर सी नंबर क्वेश्चन क्या है, लाल और हरे रंग के घरों का अनुपात कितना है। तो लाल और हरे रंग का कितना होगा घरों का अनुपात, लाल रंग तो 27 है ना, और हरा रंग कितना है 3 3 जा 6 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18, 18 रंग है हरा रंग, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लाल और हरे रंग के घरों का अनुपात 27 रेशियो 18। अब काटिए 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, ये हो गया। फिर क्या है आपका, लिखा हुआ है बादामी और पीले रंग के घरों का अनुपात कितना है। तो बादामी रंग क्या है, ये 36 है ना, 36 है, और पीला रंग देखिए कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24। तो हम लोग लिखेंगे बादामी और पीले रंग के घरों का अनुपात 36 रेशियो 24। आप काटिए 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 3 रेशियो 2 आएगा, ठीक है। अब बोला गया है ई नंबर क्वेश्चन क्या, कौन से चार रंगों के घरों का अनुपात घरों की संख्या समानुपात में है। तो देखिए ये दोनों मिल रहा है ना, ये दोनों मिल रहा है, ठीक है, 3 रेशियो 2 3 रेशियो 2। तो लाल और हरे रंग और बादामी और पीले रंग, तो लाल हरे बादामी और पीले रंग के घरों की संख्या समानुपात में है। देखिए ये प्रथम है और ये लास्ट चतुर्थ है ना, तो इसका इसका मल्टीप्लाई देखिए 3 2 जा कितना, तो 6 होता है, और इसका इसका मल्टीप्लाई 6 आएगा, 6 रेशियो 6 आ रहा है ना, समानुपात में हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे ही करेंगे। 9 नंबर क्या क्वेश्चन, देखिए दो प्रकार के शरबत में सिरप और जल का अनुपात 2 रेशियो 5
और 6:10 है तो कौन शरबत ज़्यादा मीठा है, तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे पहले प्रकार के शरबत में, दूसरे प्रकार के शरबत में, सिरप और जल, सिरप और जल, ठीक है। तो सिरप 2:5 था और 6:10 था ना, तो लिखे 2/5 और 6/10। अब देखिए 5 और 10 का क्या करते हैं, हर का डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे, ठीक है। 5 और 10 का एलसीएम कीजिए, 10 आएगा तो 10 इसमें भी लिखेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में 10 इसमें भी लिखेंगे। अब 5 का टेबल में 10 कितना बार में, तो 2 बार में, तो 2 का जब इससे भी इसको मल्टीप्लाई करा ना, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जा 10, तो इसको भी 1 से तो कर रहे हैं, तो इसको भी 1 से करेंगे, तो 2 2 जा 4 और 6 1 जा 6। तो देखिए ये 4 है और ये 6 है, 10 10 तो मिल गया, तो ये ज़्यादा ना है, तो लिखेंगे अतः दूसरे प्रकार का शरबत ज़्यादा मीठा है। फिर है आपका 10 नंबर, जल जमकर बर्फ बनने से उसका आयतन 10% बढ़ता है, तो कुछ मात्रा में जल और उससे बने बर्फ के आयतन का अनुपात कितना है, तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए। 10 नंबर, माना जल का आयतन क्या है, x है, ठीक है। फिर x आयतन जल जमकर बर्फ होने पर आयतन होगा, ये जल जम के क्या हो जा रहा है, 10% बढ़ जा रहा है ना, तो x + x का 10%, तो x + x का 10% मतलब क्या होता है, x + x × 10/100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10/100 है ना, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, x का 1 से मल्टीप्लाई, x आएगा और 10 बटा क्या आएगा, 10, तो x + x/10, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा और 10 का 1 का टेबल में 10 कितना है, 10 बार में, 10 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 10x प्लस 10 10 तो कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x आएगा, 10x + x कितना होता है, 11x/10, ठीक है, 11x/10 लिखेंगे। अब यहाँ क्या निकालना था, जल और बर्फ का रेशियो निकालना था, अनुपात, तो जल रेशियो बर्फ, ठीक है। तो जल मेरा x था ना और ये बर्फ निकला 11x/10, तो ये क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 10x और 11x आएगा, तो x कट गया, तो 10:11, इसी तरह करना है, ठीक है। कि 11 नंबर सम्स के आपका मेरी उम्र 12 वर्ष है एवं मेरे पिताजी की उम्र 42 वर्ष के दोनों के उम्रों का अनुपात, 42 वर्ष है दोनों की उम्रों का अनुपात कितना होगा, लिखो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेरी उम्र क्या है 12 वर्ष, मेरे पिताजी की उम्र है 42 वर्ष, अब दोनों की उम्र का अनुपात निकाल लेंगे, दोनों की उम्र का अनुपात 12 वर्ष / 42 वर्ष, ठीक है। तो ये काटिए, 2 6 जा 12 और 2 का टेबल में 21 बार में आता है 42, अब 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2:7, यही आंसर आएगा। 12 नंबर सम्स क्या आपका, देखिए प्रीतम की कहानी की पुस्तकों एवं स्कूल वाली पुस्तकों की संख्या का अनुपात 2:5 है, तो प्रीतम के पास कहानी की पुस्तकों की संख्या 4 है, तो उसके स्कूल वाली पुस्तकें कितनी हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए। 12 नंबर लिखेंगे, प्रीतम की कहानी की पुस्तकें एवं स्कूल वाली पुस्तकों का अनुपात 2:5 है ना, तो 2:5 लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रीतम के पास कहानी की पुस्तकों की संख्या 4, तो अब क्या लिखेंगे, कहानी की पुस्तकों / स्कूल वाली पुस्तकों = 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी वाली पुस्तक का मान दे दिया गया था, संख्या दे दिया गया था ना 4, तो लिखेंगे 4/ स्कूल वाली पुस्तकों = 2/5, तो ये लिखेंगे 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई, तो 2 लिखेंगे, स्कूल वाली पुस्तकों लिखेंगे और ये 4 × 5, तो स्कूल वाली पुस्तक कैसे होगा निकलेगा, 4 × 5/2, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4 4, और 5 2 जा 10, 10 आंसर लिखेंगे, ठीक है, 10 आंसर। अब बोला गया है 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, माला बनाने के लिए जवा और गेंदा फूल कुल मिलाकर 105 है, गेंदा और जवा फूल की संख्या का अनुपात 3:4 है, तो कितने जवा और गेंदा फूल है बताओ, कितने जवा फूल मिला देने से दोनों फूलों की संख्या का अनुपात एक समान होगा, तो हम लोग क्या करेंगे देखिए। 30 नंबर लिखेंगे, जवा और गेंदा फूलों की कुल संख्या 105 है ना, तो लिखें, फिर लिखेंगे गेंदा और जवा फूल की संख्या का अनुपात 3:4, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जवा फूलों की संख्या का अनुपातिक भाग, ये क्या हो जाएगा 3 और ये 3/7, ठीक है, 3/7 होगा, इसको जोड़ देंगे, ठीक है, 3/7 लिखेंगे, 3 + 4 करेंगे तो कितना 7 आएगा, तो जवा फूलों की संख्या का अनुपातिक भाग कितना हो जाएगा 3/7, ठीक है, क्योंकि पहले क्या दिया था, जवा और गेंदा फूल की कुल संख्या दिया हुआ था ना, तो ये हम लोग पहले जवाई मान लेंगे, ठीक है, जवाई मान लेंगे और ये गेंदा फूल का रेशियो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका जवा फूलों की संख्या कितना हो जाएगा, इसलिए जवा फूलों की संख्या 3/7 × 105, 7 का टेबल में 105 कितना बार में आता है 15 बार में, 15 3 जा 45। अब लिखेंगे गेंदा फूलों की संख्या का अनुपातिक भाग 4/7 आएगा, अब गेंदा फूलों की संख्या 4/7 × 105
ठीक है, 7 से कटेंगे 15 और 15 फोर जा 60, तो 60 माइनस 45 करेंगे, दोनों को क्या बोला गया मिलाना है ना, तो ये 60 तो नहीं आया मगर ये 60 है, तो 60 माइनस 45 करेंगे तो कितना 15 आया, 15 इसमें दिए मिला देंगे जवाब फूल, तो क्या जगह मिल जाएगा ना दोनों, तो जवाब फूल 15 जवाब फूल और मिला देने पर दोनों फूलों की संख्या का अनुपात समान 60:60 होगा, ठीक है, इसी तरह करना है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।